क्रिटिक्स का क्रिटिक। जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बनी गई। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जीबीसी ब्रेकिंग में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे दो मूवियों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और साथ ही साथ जानेंगे इन दोनों मूवियों ने अभी तक बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ रुपए का कारोबार किया। सबसे पहली मूवी है चुप मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और वहीं बात करेंगे दूसरी मूवी जो कि प्रेम गीत थ्री मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और जानेंगे इस फिल्म ने जो कि ग्रॉस कलेक्शन कितने करोड़ रुपए का किया और साथ ही साथ इस मूवी ने अभी तक टोटल जो कि इंडिया में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितने करोड़ रुपए का कर लिया है। तो दोस्तों अगर आप लोग हमारे और आपके चैनल जीबीसी ब्रेकिंग पे नए हैं तो जीबीसी ब्रेकिंग पर बने रहें ताकि हमारी ऐसी लेटेस्ट अपडेट बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस की आप लोगों को मिलती रहे सबसे पहले। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं, देखते रहेगा पूरा वीडियो। तो आप लोग बताए चले कि सनी देओल स्टारर फिल्म चुप मूवी जिस मूवी को 23 सितंबर के दिन सिनेमा घरों में रिलीज किया गया और वहीं दोस्तों आप लोगों को बताया चले कि 23 सितंबर के दिन चुप मूवी ने अच्छी खासी ओपनिंग दिखाई और जोरदार तरीके से ऑडियंस के दिलों में घर भी बनाया। आप लोगों को बताया चले कि चुप मूवी में आप लोगों को पूजा भट्ट, श्रेया धन्वंतरी और दुलकर सलमान नजर आए। दुलकर सलमान और श्रेया धन्वंतरी की बहुत ही ज्यादा तारीफ करी गई और ऑडियंस ने बहुत ही अच्छा खासा प्यार भी दिखाया। आप लोगों को बताइए चले कि दुलकर सलमान और श्रेया धन्वंतरी जो कि सनी देओल के साथ पहली बार काम कर रहे हैं और सनी देओल ने जोरदार और धमाकेदार तरीके से इन दोनों एक्टरों का ख्याल भी रखा और इन दोनों एक्टरों की बहुत ही ज्यादा तारीफ भी करी। सनी देओल जो कि आर बाल्की के 250 में बनाई गई फिल्म चुप मूवी में जोरदार तरीके से आप लोगों को एक्टिंग करते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ सनी देओल की बहुत ही ज्यादा चर्चा भी करी जा रही है। आर बाल्की ने इस फिल्म को वाकई में बहुत ही जोरदार और बहुत ही शानदार बनाया और ऑडियंस को यह मूवी बहुत ही अच्छी लगी और ऑडियंस ने बहुत ही ज्यादा तारीफ भी करी। अब बात कर लेते हैं चुप मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो आप लोगों को बताए चले कि चुप मूवी ने अपने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर जोरदार और धमाकेदार तरीके से ओपनिंग ली और इस मूवी ने 3 करोड़ का कारोबार किया बॉक्स ऑफिस पर। दूसरे दिन की बात करें तो दूसरे दिन इस मूवी ने 1,70,00,000 का कारोबार किया। तीसरे दिन इस फिल्म ने 2 करोड़ रुपए का कारोबार किया। टोटल अभी तक चुप मूवी ने जो कि बॉक्स ऑफिस पर जोरदार और धमाकेदार तरीके से सारे हेटरों की बोलती बंद करी और इस फिल्म ने जो कि 11,60,00,000 का कारोबार कर लिया है। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने सनी देओल स्टारर फिल्म दुलकर स्टारर फिल्म चुप मूवी देखी है तो आप लोगों को चुप मूवी कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और साथ ही साथ हमारे और आपके चैनल जीबीसी ब्रेकिंग पे अगर आप लोग नए हैं तो जीबीसी ब्रेकिंग पे बने रहने के लिए जीबीसी ब्रेकिंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर हिट करें ताकि हमारी ऐसी लेटेस्ट अपडेट बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस की आप लोगों को मिलती रहे सबसे पहले। अब बात कर लेते हैं दूसरी मूवी की। तो दूसरी मूवी है जो कि इंडो नेपाली फिल्म प्रेम गीत थ्री मूवी। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी को भी 23 सितंबर के दिन सिनेमाघरों में रिलीज किया गया और इस मूवी ने चुप मूवी के साथ जोरदार और धमाकेदार तरीके से क्लेश भी किया। आप लोगों को बताइए चले कि पहली बार ऐसा हुआ है कि दोनों ही मूवियों को अच्छा खासा रिस्पॉन्स दिया पब्लिक ने और दोनों ही मूवियों की बहुत ही ज्यादा तारीफ भी करी। हालांकि जब स्टोरी अच्छी होती है तो ऑडियंस तारीफ भी करती है और मूवियों को देखने भी जाती है और उन मूवियों को अच्छा खासा कलेक्शन भी होता है बॉक्स ऑफिस पर। आप लोगों को बताइए चले कि नेपाल की फिल्म जो कि प्रेम गीत थ्री मूवी जो कि पहली ऐसी फिल्म है जिसे इंडिया में भी रिलीज किया गया यानी कि बहुत ही हाई लेवल पर रिलीज किया गया। अभी तक की कोई भी नेपाल की फिल्म जो कि इंडिया में नहीं रिलीज की गई थी अब फाइनली जो कि प्रेम गीत थ्री मूवी को रिलीज किया गया और प्रेम गीत थ्री मूवी ने जोरदार और धमाकेदार तरीके से ऑडियंस का दिल जीता और यह ऑडियंस के दिलों में घर भी बनाया। आप लोगों को बताया चले कि प्रेम गीत और प्रेम गीत टू को जिस तरीके से नेपाल में प्यार मिला था उसी तरीके से दोस्तों आप लोगों को बताया चले कि पूरी दुनिया में जो कि प्रेम गीत थ्री मूवी को प्यार मिला। बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो आप लोगों को बताइए चले कि प्रदीप खड़का की फिल्म प्रेम गीत ने अपने पहले ही दिन जोरदार और धमाकेदार तरीके से 1,50,00,000 का कारोबार किया। इस फिल्म ने अपने दूसरे दिन 1,03,00,000 का कारोबार किया और तीसरे दिन इस फिल्म ने 1,80,00,000 का कारोबार किया। यानी कि अभी तक टोटल इस फिल्म ने जो कि 8 दिनों में जोरदार और धमाकेदार तरीके से 16,32,00,000 का कारोबार कर लिया है बॉक्स ऑफिस पर। दोस्तों इस फिल्म ने ओवरसीज मार्केट में अच्छा खासा कलेक्शन किया और ओवरसीज मार्केट में इस फिल्म ने 64,90,00,000 का कारोबार कर लिया है बॉक्स ऑफिस पर। दोस्तों अगर आप लोगों ने प्रेम गीत 3 मूवी और वहीं चुप मूवी देखी है तो आप लोगों को ये दोनों मूवियां
कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और साथ ही साथ अगर आप लोग हमारे और आपके चैनल जीबीसी ब्रेकिंग पे नए विजिट कर रहे हैं तो जीबीसी ब्रेकिंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर हिट करें ताकि हमारी ऐसी लेटेस्ट अपडेट बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस की आप लोगों को मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।